जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम एग्जाम में। साथियों, जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हैं, शहीद अग्निवीर को मिलेगी 1 करोड़ की राशि। तो प्यारे साथियों, क्या इसकी सच्चाई है, क्या ये रियल है या फेक है, सारी जानकारी मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूंगा और इससे जुड़ी तमाम खबरें आप लोगों को मिलेंगी। क्या शहीद अमृतपाल और जो आपके यहाँ पे अक्षय जी हैं, दोनों में क्या फर्क रहा, यहाँ पे इनको 1 करोड़ की राशि मिलेगी पूरे सम्मान के साथ, जो है इनको पूरा जो कार्यक्रम होता है जो एक शहीद के साथ किया जाता है वो सारा यहाँ पे किया, लेकिन ये अमृतपाल के साथ ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि इनका जो खुलासा हुआ वो यहाँ पे इन्होंने खुद को क्या किया है, गोली मारी है, खुद को क्या किया है, इन्होंने गोली मारी है, इसलिए इनको ये सम्मान ये सारी चीजें नहीं मिली। और जो ये आपके शहीद हुए हैं अक्षय जी, जो आपके दूसरे अग्निवीर की जो मृत्यु हुई है, यानी कि ये जो शहीद हुए हैं, तो इनको गवर्नमेंट की तरफ से या सेना की तरफ से यहाँ पे क्या क्या जो है मिलने वाला है, ये सारी चीजें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और प्यारे साथियों, आप लोगों को काफी लोग यूट्यूब पे ये कह रहे थे कि इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया, ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा। जो आपके मन में भ्रम थे, कुछ चीजों को लेके आपके मन में एक संशय बनी हुई थी कि क्या ये गलत है, क्या ये सही है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ। कुछ लोगों का कहना है कि अग्निवीर में नहीं जाना, अग्निवीर ज्वाइन नहीं करना है, वीडियो में काफी लोग कमेंट्स करते हैं, काफी लोग यूट्यूब पे भी डालते हैं, लेकिन प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, आपको भरोसा करना होगा इस चीज पे कि जो भी लोग ये नेगेटिव कमेंट्स फैला रहे हैं, जो भी ये नेगेटिव चीजें कमेंट सेक्शन में आके कर रहे हैं कि मुझे अग्निवीर में नहीं जाना, हकीकत ये है कि वो या तो ओवरेज हो चुके हैं या उन्हें अग्निवीर भर्ती से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर आपको सेना में जाना है, अगर आपकी इच्छा है देश सेवा करने का और आपका भी जो मन है कि मैं भी देश सेवा करना चाहता हूं, तो आप अग्निवीर की तैयारी करिएगा। ये आपको मैं कह रहा हूं कि जो कह रहे हैं ना कि 4 साल के बाद आपको निकाल दिया जाएगा, एक भी अग्निवीर वापस नहीं आएगा, एक भी अग्निवीर वापस नहीं आएगा। हो सकता है चुनावों के बाद सरकारें बदल जाएं और ये सारे नियम कानून कायदे भी बदल जाएं, सरकार ना भी बदले तो ये सरकार ही हो सकता है कि इस बार के चुनावों के बाद आपको माहौल कुछ और ही अलग मिले और इन नियमों को वापस ले लिया जाए, ठीक है। जैसे ये किसान आंदोलन हुआ था, ऐसे ही कुछ और घटनाएं हो जाए और आपकी ये अग्निवीर परमानेंट कर दी जाए। तो जो लोग आप लोग जो गांव में जो आदमी एक मतलब कि कोई भी दुकान पे काम कर रहा है और वो आदमी कह रहा है अग्निवीर तो गलत है, जिसे यही नहीं पता कि अग्निवीर स्कीम है क्या और अग्निवीर में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, वो आदमी कह रहा है कि अग्निवीर तो गलत है। तो ये चीजें एक तरीके से अगर देखा जाए तो देखो सरकार के नियम है, आज सरकार ने ये नियम बना दिए, जब आपको गलत लगे थे आपने विरोध भी किया, खूब विरोध भी हुआ, नहीं हुए वापिस, लेकिन अब जो नियम लगा दिए इन्होंने, तो उन नियमों में आप लोग जो है उन नियमों को जो आपको चल रहे हैं वो नियम वो आप फॉलो करिए, आप अग्निवीर में जाइए। आपके देखो अगर गवर्नमेंट ने कहा है कि 25% परमानेंट होंगे, तो फिर आप 25% में रखने का हौसला रखने का आपकी क्षमता होनी चाहिए कि आप 25% में आए। आप खुद यहां डिमोटिवेट हो रहे हो, खुद हार रहे हो कि मैं तो अब परमानेंट हो ही नहीं पाऊंगा। आप होगे और 25 नहीं, अब तो 50% की चल रही है चर्चा। और दूसरी बात, मैं तो ये कह रहा हूं कि 4 साल बाद आप में से एक भी वापिस नहीं लौट के आएगा जो भी अग्निवीर लगेंगे, ठीक है। चलो हम पहले मुद्दे पे आते हैं, जो आपके अक्षय जी जो शहीद हुए हैं हमारे अग्निवीर, इनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये आपके जो शहीद अमृतपाल हैं, जिन्होंने जिनको सेना ने बाद में खुलासा किया कि इन्होंने खुद को गोली मार के जो है यहाँ पे क्या किया है, अपनी खुद को गोली मार के और आत्महत्या की है, लेकिन यहाँ पे ये जो है शहीद हुए हैं। तो शहीद को सरकार जो है यहाँ पे क्या क्या जो है सेना की तरफ से यहाँ पे दिया गया, वो सारी चीजें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर से रूबरू करवाना चाहूंगा, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे सम्मान के साथ इस शहीद अक्षय को यहाँ पे, अग्निवीर को यहाँ पे पूरे सम्मान के साथ पूरी सेना जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे सम्मान के साथ जो है इनको श्रद्धांजलि दी है। और आप लोगों के सामने जो आप लोगों के साथ जो मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, इन चीजों के बारे में भी यहाँ पे चर्चा करेंगे। ADGPI इंडियन आर्मी आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्या क्या जो है अग्निवीरों को यहाँ पे मिलने वाला है, जो अग्निवीर शहीद होते हैं उनके परिवार को यहाँ पे क्या क्या धनराशि यहाँ पे सरकार या फिर विभाग देने वाला है। तो यहाँ पे देखिए 48 लाख रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं, नॉन कंट्रीब्यूटरी इंश्योरेंस सम अमाउंटिंग टू रुपए जो है आपके 48 लाख रुपीज यहाँ पे मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को 44 लाख रुपए यहाँ पे दिए गए हैं अलग से। उसके बाद पे ऑफ बैलेंस टेंडर फॉर द डेट ऑफ डेथ टिल कंप्लीटिंग
फोर इयर्स मोर 13 लाख रुपए यहाँ पे आपको अलग से यहाँ पे मिलने वाले हैं अगर आपकी जो ड्यूटी है वो यहाँ पे आपकी जो 4 साल का जो दिया गया है उस दौरान आपके होता है तो ठीक है। उसके बाद में 8 लाख फ्रॉम आर्मर्ड फोर्सेस बैटल कैजुअली फंड, 8 लाख रुपए जो है आपको आर्मर्ड फोर्सेस बैटल कैजुअलिटी जो फंड है वहां से आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको 30,000 रुपए जो है AWWA के थ्रू यहाँ पे आपको इविडेंटी फाइनेंशियल असिस्टेंस के द्वारा जो है यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। तो आपके लिए ये सारी व्यवस्थाएं जो है, अब ये पहला अग्निवीर जो शहीद हुआ, देखो पहले जो शहीद यानी कि आप जो अमृतपाल जी थे वो यहाँ पे क्या हो, उन्होंने आत्महत्या की, इसलिए यहाँ पे आत्महत्या को आपको पहले से ही ये नियम है फौज के कि जो आत्महत्या करता है जो भी फौजी तो उसको कुछ नहीं, उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलता और ना वो सम्मान मिलता। लेकिन जो भी जो ये शहीद हुए हैं पहले अग्निवीर अब आपके सामने हैं, इनको ये 1 करोड़ की जो धनराशि है ये मिलेगी और ये मीडिया रिपोर्ट्स में भी दावा किया गया है। और अब तो बिल्कुल आप सेना की तरफ से भी ऑफिशियल ये चीज जो है निकाल दी गई है, जो आप लोगों को भ्रमित कर रहे थे कि भाई अग्निवीर को जो कुछ भी नहीं दिया, वो सारी चीजें वो खुलासा हुआ है पूरा, वो खुलासा पूरा हुआ है उन चीजों को पूरा रिपोर्ट से सारे के सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे देखो आप लोगों के लिए ये क्लियर हो गया है कि आप लोग जो है कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अग्निवीर अगर आप लगते हैं तो भी आपको वही शहीद का दर्जा, सारी फैसिलिटीज वो ही मिलेंगी। और मेरे भाई एक चीज ही मैं कहना चाहूंगा कि देखो सरकार की मान लिया कि ये अग्निवीर नीति गलत थी, लेकिन अब नियम बन गए, कानून बन गए, तो अब ये चीजें बदल भी सकती हैं आगे। तो आप लोग इस भ्रम में ना रहे ना कि 4 साल के लिए जा रहे हैं, 4 साल के नहीं भाई, मैं तो कह रहा हूं कि आप देख लेना चाहिए ही होने वाला है, परमानेंट ही होगी आर्मी, 4 साल के लिए नहीं होगी, परमानेंट ही होगी। आप लोगों में अगर हिम्मत है, जज्बा है तो भाई ज्वाइन करिए, ठीक है, ज्वाइन करिए। फालतू की बकवास कोई भी कर सकता है। आप अगर आपका सपना है कि आप इंडियन आर्मी में जाके देश की सेवा करना चाहते हैं तो आप जाइए भाई इंडियन आर्मी में। एक तैयारी करने वाले लड़के से, एक बेरोजगार गरीब परिवार के लड़के से पूछना कि अब वो अग्निवीर में नहीं जाना चाहता, जो बच्चा सुबह उठ के 4 बजे रनिंग करता है रोड पे और जो बच्चा लगातार मेहनत कर रहा है, क्या उससे पूछना क्या वो अग्निवीर में नहीं लगेगा। और जो लड़का ओवरेज होके और ये बात कह रहा है कि मुझे अग्निवीर में नहीं जाना, उसको ओवरेज हो चुका है, उसे पता है कि उसे नहीं लेंगे, तो वो कह रहा है कि मुझे अग्निवीर में नहीं जाना, तो उसे तो अग्निवीर में नहीं जाना भाई है। अगर वहीं अगर उम्र में छूट अगर सेना की तरफ से मिल जाए तो वो लड़का सबसे पहले फॉर्म डालने के लिए जाएगा, ये आप 100% मेरी बात नोट कर लेना। हकीकत है मेरे भाई, कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है लेकिन ये सच है, ये यही सच है। जो लोग ये खिलाफत कर रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं अग्निवीर में नहीं जाना, वो लोग केवल आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं। आप अपने दिल पे हाथ रख के ये बात कहिएगा, जिसकी एज है अभी अग्निवीर में जाने की, हकीकत कह रहा हूं भाई, आपको अपने जो सबसे प्यारी चीज है उसकी कसम खा के कहना कि क्या आप अग्निवीर में नहीं जाना चाहते। जो तैयारी कर रहे थे आर्मी की उनसे बात कर रहा हूं, क्या अग्निवीर में नहीं जाओगे? जाओगे मेरे भाई, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं और मिडिल क्लास फैमिली के लोग ही या गरीब परिवार के लोग ही जो है ये सेना वगैरह में जाते हैं, कोई अमीर बाप की औलाद कभी भी सेना में नहीं जाती, ना पहले जाता था ना अब जाएगा, और वो भी एक सिपाही भर्ती होके, जीडी से कभी भर्ती नहीं होगा। अगर कोई भर्ती होके गया भी है तो वो फिर अधिकारी रैंक से गया है, ना कि आपकी जो जीडी ट्रेड क्लर्क इनसे गया है, ठीक है, समझ गए होंगे मेरी बात को। जो लोग आपको आसपास में आज भड़काने को लगे हैं, जो लोग आपको आज डीमोटिवेट कर रहे हैं, उन लोगों से सावधान रहिएगा। अपने माँ बाप की तरफ और अपने जो आपने जो सपने देखे हैं बचपन से कि मुझे तो सेना में जाना है, मुझे तो वर्दी पहननी है, उन सपनों को मद्देनजर रखते हुए और फिर आप लोगों को ये तैयारी जो है इसकी शुरू कर देनी है। जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं आर्मी अग्निवीर की, आप अच्छे से तैयारी करिए, आपकी भर्ती जल्द आपको नवंबर में देखने को मिल जाएगी। और इस भर्ती के बाद में आपका जो एग्जाम की बात करें तो एग्जाम भी आपका जो है जो आपका अप्रैल के समथिंग आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं इस तैयारी को आप अपनी कंटिन्यू रखिए। किसी भी तरीके की अगर आपको हेल्प चाहिए तो आप लोगों के सामने हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9351788438। अगर आपको नोट्स क्लास टेस्ट सीरीज किसी भी तरीके की कोई भी पढ़ने से संबंधित कोई भी हेल्प चाहिए या कोई क्वायरी आपको करनी है तो इस नंबर पे आप एनी टाइम व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। और दूसरी बात, अगर किसी को तैयारी भी करनी है तो हमारा ड्रीम एग्जाम का जो एप्लीकेशन है वहां से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। आपको क्लासे, नोट्स, टेस्ट सीरीज सारी चीजें यहां से अवेलेबल हो जाएंगी। कोर्स भी आपको सबसे सस्ता यहां पे मिल जाएगा, मात्र 499 रुपीज में आपको यहां पे कोर्स मिल जाएगा। बाकी आपको कोई भी अगर दिक्कत है तो इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा।
इसके अलावा साथियों यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी हैं, तो जो यहाँ पे आपकी प्रक्रिया है सारी अग्निवीरों के साथ जो होने वाली है, वो पहले जो प्रक्रिया होती आ रही थी वही प्रक्रिया आपकी यहाँ पे रहेगी। ये जो यहाँ पे लिखा है बिल्कुल सच है, और ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगर किसी को चाहिए तो यहाँ से आप इस चीज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये बिल्कुल जो है आर्मी की तरफ से ऑफिशियल डाली गई अपडेट है, ये आप खुद भी जाके देख सकते हैं इनकी ऑफिशियल ही चीजों पे, ठीक है, इनके जो ट्विटर अकाउंट है उस पर भी जाके आप देख सकते हैं। बाकी आप लोगों को कोई भी अपडेट जो रहेगी वो इस चैनल पे मिलती रहेगी टाइम टू टाइम। ये वीडियो आप लोगों के लिए इसीलिए बनाया गया था, स्पेशल आप लोगों के लिए, कि जो आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं इस घटना को लेकर, तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। जो लोग आपकी कामयाबी से जलते हैं वो लोग ही आपको डीमोटिवेट करने का काम करते हैं, और ये काम कौन करते हैं, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी जो हैं, आपके यारे प्यारे रिश्तेदार, आपके दोस्त, ये आपको डीमोटिवेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं। लेकिन आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि आपको कामयाब होना है किसके लिए, अपने माँ बाप के लिए और अपने भविष्य के लिए, ना कि उन अड़ोसी पड़ोसियों के लिए, ना उन दोस्तों के लिए। आपको सिर्फ फोकस करना है तो अपनी तैयारी पे, अपनी जीत पे, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बस मुझे तो लगना है, मुझे तो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे तो फौज में जाना है, मुझे तो वर्दी पाना है। सुबह शाम दिन में हर जगह हर चीज में बस एक ही चीज होनी चाहिए कि मुझे तो वर्दी पानी है। सुबह से हम रनिंग करिए और दिन में अपनी स्टडी पे ध्यान दीजिए, आपको कोई नहीं लग सकता रोकने से। और मैंने जैसा कि आपको कहा कि 4 साल के बाद आपको नहीं भेजा जाएगा, आप वहीं रहोगे। आप केवल एक चीज का अंदाजा आप सोच के देखिए, क्या सरकारें नहीं बदल सकती, क्या नियम कानून नहीं बदल सकते, सब कुछ हो सकता है मेरे भाई। तो आप लगे रहिए अपनी तैयारी में, बिल्कुल भी आप लोगों को डीमोटिवेट होने की आवश्यकता नहीं है। और ये जो सच्चाई है ये बिल्कुल सच है, 1 करोड़ रुपए की जो राशि है वो 100% मिलने वाली है। और जो भी अग्निवीर है सभी को इन नियमों का, आप लोगों के आगे जो भी कुछ ऐसी घटनाएं होती है तो सबको ये अनुदान राशि जो है आप लोगों को मिलेगी। मेरे साथियों वीडियो कैसा लगा और आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।